दोस्तों, आप वीडियो जरूर देखें, सिर्फ 2 मिनट की है, नहीं तो पछताओगे। जीवन कैसे जीना है वो सब चीज़ जो है वो इस वीडियो में बताई गई है, क्योंकि बीमारी जो है वो बहुत सभी होती रहती है दोस्तों। सवाल नंबर 1, ठंडा के मौसम में जंडिस ज़्यादा क्यों हो जाता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि जानकारी डायरेक्ट मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है ज़रूरत से ज़्यादा अंडा खाने से और तेल ज़्यादा खाने से जैंडिस हो जाती है, इसीलिए तेल मसाला का परहेज करें और ठंडा सामान जो है वो खाएं, जैंडिस कभी नहीं होगा दोस्तों। सवाल नंबर 2, हाथ पांव में जलन या परसुकता जैंडिस तुरंत कैसे ठीक होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है 100 100 ग्राम धनिया, सौंफ, मिश्री तीनों को चूर्ण बना करके सुबह खाली पेट खाने से जो है वो तीनों बीमारी की अंत हो जाती है, जैंडिस, परसूता, हाथ पांव में जलन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 3, ज़्यादा प्यास क्यों लगता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक डायरेक्ट मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है ज़्यादा गरम गरम सामान खाने से प्यास लगता है और ठंडा सामान का प्रयोग करें, नहीं तो प्यास लगने पर लकवा या फालिस की बीमारी होने की संभावना बना रहता है, इसीलिए ठंडा सामान जरूर खाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 4, ठंडा के मौसम में कितना बार चाय पीने से पेट की बीमारी कभी नहीं होती है और बार बार लैट्रिन पेशाब नहीं लगता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है दूध वाला चाय या लाल चाय सुबह शाम जरूर पीना चाहिए कि ठंडा से बीमारी कोई प्रकार के जो है वो हम लोग के शरीर में उत्पन्न ना हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें बने रहें।